नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम पंडित जी से जानेंगे चरण स्पर्श करने का क्या महत्व है। हमारे देश में, भारत में चरण स्पर्श करने की परंपरा सदियों से रही है, तो जब आप किसी का पैर छूते हैं, प्रणाम करते हैं, तो उससे आपको क्या लाभ होता है, क्या आपका भाग्य बढ़ता है, इस पर विस्तार से पंडित जी से बात करेंगे। साथ ही जानेंगे कि यदि आज आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं, तो क्या उपाय करके आप घर से निकलें ताकि आपको लाभ हो, और आपका आज का राशिफल और लकी नंबर के अनुसार आज का लक तो जानेंगे ही। तो पंडित जी, कार्यक्रम शुरू करें। जी, तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज के पंचांग में क्या है खास, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, और पंडित जी आज राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा? दिनांक 14 नवंबर 2024 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, प्रातः काल 9:43 तक, नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक, दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा से सरसों के दाने खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हमारे हिंदुस्तान में, भारत में चरण स्पर्श की परंपरा सदियों से चली आ रही है। पंडित जी, ये चरण स्पर्श का महत्व तो क्या है? देखिए, भारतवर्ष में परंपराओं में चरण स्पर्श की परंपरा बहुत पुरानी है और इसका बड़ा गहरा आध्यात्मिक महत्व है। क्या महत्व है? हिंदू संस्कारों में अभिवादन की परंपरा पाई जाती है और अभिवादन के कई तरीके भी हैं। हाथ जोड़कर प्रणाम करना और चरण स्पर्श करना, ये अभिवादन ही है। लेकिन चरण स्पर्श करना एक विशेष आध्यात्मिक और वैज्ञानिक प्रक्रिया भी है। सही तरीके से अगर आप चरण स्पर्श करते हैं, अभिवादन करते हैं, तो अद्भुत लाभ हो सकते हैं। इससे भाग्य बेहतर हो सकता है, संकट मिट सकते हैं और ईश्वर की अनुभूति हो सकती है। एक सुभाषित कहा गया, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो पसेविना चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अगर आप अपने बड़ों का, वृद्धों का अभिवादन करते हैं रोज, तो आयु, विद्या, यश और बल आपका अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। आज के विषय पर चर्चा जारी रहेगी। अभी वक्त हो गया है राशियों का, तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मंगल की ये राशि है। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मेष राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, अतिथि के आने के योग भी हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब बात वृष राशि की। शुक्र की ये राशि है, वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, महत्वपूर्ण काम अभी एक दो दिन टाल दें, यात्रा में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब बात मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है, मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मिथुन राशि, परिवार की समस्याएं हल होंगी, जीवन में नए अवसर मिलेंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। हमारे देश में हमसे उम्र में जो लोग बड़े होते हैं उन्हें हम प्रणाम करते हैं, उनके पैर छूते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। पंडित जी, चरण स्पर्श करने से लाभ क्या होता है? आपके मन में ये बात आती होगी कि हाथ जोड़ने से भी लाभ हो सकता है, तो पैर छूने की आवश्यकता क्या है, चरण स्पर्श करने की जरूरत क्या है और चरण स्पर्श से लाभ क्यों होते हैं? देखिए, हर व्यक्ति के अंदर एक विशेष तरह की ऊर्जा होती है और ये ऊर्जा आपके शरीर की आपके हाथों और पैरों की अंगुलियों से और उसके तलवे से या हाथों के बीच से प्रवाहित होती रहती है। जब भी आप किसी से हाथ मिलाते हैं, स्पर्श करते हैं, ये ऊर्जा ट्रांसफर हो जाती है। किसी का पैर छूते हैं, ऊर्जा ट्रांसफर हो जाती है। जब आप अपने हाथों से किसी के दोनों पैरों को टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, तो व्यक्ति की ऊर्जा आप खींच लेते हैं। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति आपके सर पर हाथ रख देता है तो वो अपनी ऊर्जा आपको दे देता है। अगर ऊर्जा शुभ है तो तत्काल लाभ होता है। आप देखिए, बहुत सारे संत महात्मा या बहुत सारे आध्यात्मिक लोग अपने चरणों का स्पर्श नहीं करवाते और अगर आप उनके चरण छुएंगे तो वो जूता पहने रहते हैं, चप्पल पहने रहते हैं, जिससे चरणों तक आपका संपर्क नहीं हो पाता, क्योंकि वो जानते हैं कि आप अगर एक नकारात्मक आदमी हैं और आप उनके शरीर को स्पर्श करेंगे, चरणों को स्पर्श करेंगे, तो आपकी सारी जो निगेटिव एनर्जी है वो उनके अंदर आएगी और उनकी पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर चली जाएगी। इसीलिए बहुत पहले से हाथ मिलाने को भारतीय परंपरा में अच्छा नहीं मानते, क्योंकि मानते हैं कि हाथ मिलाते ही एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है, ऊर्जा ट्रांसफर हो जाती है। अब बात कर्क राशि की। चंद्रमा की ये राशि है, कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कर्क राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, करियर की समस्या हल होगी,
परिवार में शुभ कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। अब बात सिंह राशि की। सूर्य की ये राशि है, सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? सिंह राशि, परिवार में शांति आएगी, नौकरी की स्थिति में सुधार होगा, धन की समस्या दूर होगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बात कन्या राशि की। बुध की ये राशि है, कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, करियर में लापरवाही ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त है आपके सवाल का। यदि आपके मन में भी सवाल है तो अवश्य पूछिए। उसके पहले आपको बता दें कि आगे आप सक्सेस मंत्र अवश्य देखिएगा, क्योंकि उसमें हम जानेंगे कि यदि आज आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं तो क्या उपाय करके घर से निकलें ताकि आपको लाभ हो। और आगे ऐसा क्यों जरूर देखिए, क्योंकि ऐसा क्यों में दैनिक जीवन में काम आने वाली महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में हमारा शास्त्र क्या कहता है ये हम जानेंगे। और शुभ मंगल सावधान देखना ना भूलें, क्योंकि उसमें हम जानेंगे कि आज का दिन किस राशि वाले के लिए बहुत शुभ होगा और आज किस राशि वाले को बहुत सावधान रहना चाहिए। अब बात आपके सवाल की। यदि आपके मन में सवाल है तो अवश्य पूछिए। उसके लिए सबसे पहले अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर bhagyachakra@aajtak.com में भेज दें। वहां से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो पंडित जी, सवालों के पिटारे से पहला सवाल किसका ले रहे हैं? आज का पहला प्रश्न सुमित बैनर्जी जी ने हमें लिखा है, कोलकाता से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 14 अगस्त 1980। जन्म का समय दोपहर के लगभग 2 बजे। जन्म स्थान है बैरकपुर, पश्चिम बंगाल। ये कह रहे हैं कि मैं नौकरी छोड़ करके व्यापार करना चाहता हूं, क्या मेरे लिए व्यापार करना सही होगा? सुमित, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी 2025 जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक व्यापार के बारे में मत सोचिए, अभी नौकरी ही करिए। अभी नौकरी करना ज़्यादा सुरक्षित भी है और ज़्यादा ठीक भी है। 2026 के अप्रैल के बाद अगर अवसर मिलता है तो आप व्यापार के बारे में विचार कर सकते हैं। क्या उपाय करें अच्छे करियर, अच्छे जीवन के लिए? रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए और सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आपको लाभ होगा। जब आप किसी के पैर छूते हैं, किसी को प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं तो उसका क्या तरीका होना चाहिए, पंडित जी से समझते हैं। पंडित जी, जब हम किसी के पैर छूते हैं, चरण स्पर्श करते हैं तो किस तरीके से करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो? चरण स्पर्श हम सामान्यतः अपने हाथों से
अपने बड़ों के पैरों को हाथ लगाते हैं और चरण स्पर्श मान लेते हैं। अब आजकल की जनरेशन तो इतनी अद्भुत है कि वो घुटनों को हाथ लगाती है, पैरों को नहीं, और बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे लोग केवल झुक जाते हैं, हाथ शरीर को, बड़ों के शरीर को, त्वचा को स्पर्श ही नहीं करता। मतलब चरण स्पर्श जो एक्चुअली हो गया है अब, वो एक फॉर्मेलिटी हो गई है। लेकिन वास्तविक तरीका क्या है? चरण स्पर्श के तीन तरीके हैं। झुक कर चरण स्पर्श करना, दोनों हाथों से वृद्ध बड़े व्यक्ति, ज्ञानी, संत महात्मा के चरणों को दोनों हाथों से स्पर्श करना, घुटनों के बल बैठकर चरण स्पर्श करना, और साष्टांग प्रणाम करना, यानी बिल्कुल दोनों हाथों को कान के बगल से ले जाके एकदम सामने लेट जाना। इन तीनों ही तरीकों से शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम होता है, शरीर लचीला और मजबूत होता है, मन शुद्ध होता है और अहंकार का नाश होता है। जीवन में जो श्रद्धा के साथ झुकना सीख जाता है, उसे परमात्मा उठा देते हैं। देखिए, आप किसी का चरण छूने के लिए झुकेंगे तो वो निश्चित रूप से आपको उठाएगा, आशीर्वाद देगा, आपको ऊपर करेगा। तो जो झुकेगा वो भविष्य में उठेगा, और झुकने की आदत शुरू से डेवलप कर लीजिए ताकि जीवन में उन्नति हो सके। चरण स्पर्श करने के नियम क्या हैं? किन नियमों का पालन करना जरूरी होता है ताकि आपको विशेष फायदा हो? पंडित जी, जब हम किसी का चरण छूने जाते हैं तो कौन कौन से ऐसे नियम जरूरी हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए? अब आप किसी का चरण स्पर्श करने जा रहे हैं तो फॉर्मेलिटी मत करिए। उसका घुटना छू रहे हैं, उसकी जांघों पे हाथ लगा रहे हैं, या केवल हल्का सा झुक जा रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं है चरण स्पर्श करने का। इसके नियम क्या हैं? चरण उसी के स्पर्श करिए जिसके प्रति आपके मन में श्रद्धा हो और जो श्रद्धा के योग्य हो। ऐसा हो सकता है कि आपके मन में किसी संत महात्मा के प्रति श्रद्धा ना हो, लेकिन वो श्रद्धा के योग्य हों, श्रद्धेय हों, तो ऐसी स्थिति में उनके चरण स्पर्श करिएगा। अगर झुक करके चरण स्पर्श कर रहे हैं तो हाथों की अंगुलियों से पैरों का अंगूठा छूइएगा सामने वाले के। दोनों हाथों की अंगुलियों से दोनों पैरों का अंगूठा स्पर्श करिए। अगर घुटनों के बल बैठ के चरण स्पर्श कर रहे हैं तो अपना सर चरणों में रखिएगा। साष्टांग प्रणाम केवल अपने गुरु या अपने ईष्ट देव को कर सकते हैं। साष्टांग प्रणाम अपने गुरु या ईष्ट के अलावा किसी को नहीं करेंगे, और महिलाएं साष्टांग प्रणाम नहीं करेंगी, महिलाएं अर्ध प्रणाम करेंगी, घुटनों के बल बैठ के सर को जमीन से स्पर्श करेंगी, अर्ध प्रणाम करेंगी। और अगर कोई व्यक्ति आपके चरण स्पर्श कर रहा है तो आप उसके सर पर हाथ रख करके आशीर्वाद दीजिए ताकि आपकी शुभता उसके अंदर जाए और उसका कल्याण हो। एक बात और जान लीजिए, माता पिता को अपनी पुत्रियों से चरण स्पर्श नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि विवाह के समय आप अपनी लड़की को लक्ष्मी स्वरूप मानकर और अपने दामाद को विष्णु स्वरूप मान के उनके चरण धोते हैं। तो जिसके चरण आपको धोने हैं आप उसी से चरण स्पर्श करवाएं, ये उचित नहीं है। तो माता पिता अपनी पुत्रियों से कृपा करके चरण स्पर्श ना कराएं तो ज्यादा बेहतर होगा। अब बात तुला राशि की। शुक्र की ये राशि है, तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? तुला राशि
व्यस्तता बढ़ी रहेगी, मानसिक तनाव दूर होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा बैंगनी। अब बात वृश्चिक राशि की, मंगल की ये राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृश्चिक राशि, काम की अधिकता रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। अब बात धनु राशि की, बृहस्पति की ये राशि है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। चरण स्पर्श का ग्रहों से क्या कनेक्शन है पंडित जी? जब हम चरण स्पर्श करते हैं तो कैसे ग्रह अनुकूल हो जाते हैं? अब ये जानते हैं कि चरण स्पर्श करके आप अपने ग्रहों को अनुकूल कैसे बना सकते हैं, अपने ग्रहों को कैसे बेहतर कर सकते हैं। देखिए, अगर सूर्य संबंधी समस्या आपके जीवन में है या सूर्य की वजह से कोई पीड़ा है तो रोज सुबह अपने पिता के चरण स्पर्श करिए, पिता का आशीर्वाद लीजिए, आपका सूर्य बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अगर चंद्रमा आपके लिए दिक्कतें पैदा कर रहा है, चंद्रमा संबंधी समस्याएं जीवन में हैं, तो माता के चरण स्पर्श करने से आपका चंद्रमा अनुकूल होगा। किसी महिला के, विद्वान महिला के, अपने से उम्र में बड़ी या योग्य महिला के अगर आप चरण स्पर्श करते हैं तो बुध और शुक्र आपके मजबूत होंगे। और स्त्री लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है, उनके चरण स्पर्श करने से आपको धन का लाभ होगा। बड़े भाई और बड़ी बहन के चरण स्पर्श करने से मंगल की समस्याएं दूर होंगी। जीवन के झगड़े लड़ाइयों से, विवादों से छुटकारा मिलेगा, पुलिस कचहरी मुकदमे से मुक्त होंगे और मंगल की समस्याएं समाप्त होंगी। अगर आप नियमित रूप से किसी वृद्ध व्यक्ति के चरण स्पर्श करते हैं तो आपका बृहस्पति मजबूत होगा, आपका बृहस्पति प्रबल होगा, तो ईश्वर की कृपा का अनुभव जरूर होगा। सात्विक, सदाचारी और ईमानदार व्यक्ति के अगर आप चरण स्पर्श करते हैं तो राहु और केतु, साथ में शनि, ये कंट्रोल में आ जाएंगे। जब भी मौका मिले
अगर कोई संत हैं, कोई महात्मा हैं, उनका उम्र मत देखिए। संत महात्माओं की कोई उम्र नहीं होती, आत्म चेतना की कोई उम्र नहीं होती। तो हो सकता है किसी को कम उम्र में ईश्वर की उपलब्धि हो गई हो। तो संतों और महात्माओं के चरण स्पर्श जब भी मौका मिले अवश्य करिएगा। इससे हर तरह की बाधा आपकी दूर होगी और संत महात्मा के चरण स्पर्श करने से समस्त ग्रहों की पीड़ा शांत होगी। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा कहा जाता है कि जिसके प्रति श्रद्धा नहीं है उसके पैर नहीं छूने चाहिए, ऐसा क्यों? ऐसा कहा जाता है कि जिसके प्रति मन में श्रद्धा ना हो उनके चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए, ऐसा क्यों? देखिए, अगर किसी व्यक्ति के प्रति आपके मन में श्रद्धा नहीं है तो जब आप उस व्यक्ति के सामने जाएंगे, नेचुरली नेचर की वजह से आपके अंदर से निगेटिव तरंगे उस व्यक्ति के लिए निकलेंगी और उसके शरीर से भी बिना किसी प्रयास के आपके लिए नकारात्मक चीजें निकलनी शुरू हो जाएंगी। और जब आप उनके चरण स्पर्श करेंगे बिना श्रद्धा के, तो ऐसी स्थिति में दोनों तरफ की नकारात्मक तरंगे आपको नुकसान पहुंचा देंगी, आप बेवजह चिंता और डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो अगर किसी के प्रति मन में श्रद्धा नहीं है, नमस्कार करने की मजबूरी है, तो हाथ जोड़ करके नमस्कार करें, चरण स्पर्श करके नमस्कार सबको करना बंद कर दें। अब बात मकर राशि की। शनि की ये राशि है, मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मकर राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, धन खर्च आपका बढ़ा रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किल कम हो जाएगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बात कुंभ राशि की। शनि की ये राशि है, कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खूब मान सम्मान मिलेगा, करियर में सफलता मिलेगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी, जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकते हैं। अब बात मीन राशि की। बृहस्पति की ये राशि है, मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मीन राशि, करियर में परिवर्तन होगा, धन की स्थिति ठीक रहेगी, बड़ों की सलाह से लाभ होगा। खाने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब वक्त है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। लकी नंबर 1 से लेकर लकी नंबर 9 तक के लिए पंडित जी आज क्या है खास? बात करते हैं लकी नंबर की। नंबर 1, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। नंबर 2, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। नंबर 3, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं।
नंबर चार, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। नंबर पांच, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर छह, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर सात, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। नंबर आठ, यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। और नंबर नौ, परिवार में शुभ कार्य के योग दिख रहे हैं। अब समय हो गया है भाग्य पहर का। आज भाग्य पहर का समय कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा और पंडित जी इस दौरान हमें क्या करना चाहिए? आज भाग्य पहर का शुभ समय होगा शाम को 6:00 से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपकी संतान संबंधी समस्याएं हल हो जाएंगी। अब बात सक्सेस मंत्र की। पंडित जी, आज के सक्सेस मंत्र में क्या है खास? बात करते हैं सक्सेस मंत्र की। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पीली सरसों खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, चने की दाल खाकर घर से जाइए, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है आपकी, तो अपने साथ एक पीला फूल रखिएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल चिकित्सक के पास जाना हो तो हल्दी का तिलक लगा के जाइएगा, आप स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, मकान, तो पीला रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब समय हो गया है शुभ मंगल सावधान जानने का। आज का दिन किस राशि वाले के लिए बहुत शुभ होगा और पंडित जी आज किस राशि वाले को बहुत सावधान रहना चाहिए? बात करते हैं शुभ मंगल सावधान की। आज का दिन शुभ होगा मेष राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, चिंताएं समाप्त होंगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज का दिन मंगलमय होगा मिथुन वालों के लिए। धन का लाभ होगा, करियर में फायदा होगा, कोई रुका हुआ काम बन जाएगा। आज सावधान रहना होगा कन्या राशि वालों को। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, परिवार में विवाद हो सकते हैं, चोट चपेट लग सकती है। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। पंडित जी, आपने भाग्य चक्र में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए आज तक के साथ। भाग्य चक्र में कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। नमस्कार।